पैरों के नीचे जो जमीन मौजूद है उसके नीचे सच में कोई ऐसी दुनिया मौजूद हो जो हमारी तरह बहुत आधुनिक हो। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बातें बेतुकी लग रही होंगी और मुझे भी ये बात बेतुकी ही लगी थी, लेकिन जब मैंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जाना तो उसे जानने के बाद मेरे होश उड़ गए कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। पहले आप इन लाइंस को सुनिए जिनको US नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बर्ट ने अपनी एक सीक्रेट डायरी में लिखा था। वो लाइन कुछ इस तरह से हैं, जब हम अकस्मात पृथ्वी पर मौजूद एक गहरे गड्ढे के ऊपर से उड़े तो मेरे क्रू और मैंने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को नोटिस किया जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ इंसानों की तरह दिखने वाले प्राणी हमसे मिले, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा डेवलप लग रहे थे। राष्ट्रपति जी को सलाह दी गई कि मुझे हिरासत में लिया जाए और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत सख्त नियंत्रण में रखा जाए और मुझे चुप रहने का आदेश दिया गया। रिचर्ड बर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी हुई ये बातें 1990 के दशक में लीक हो गईं। इस डायरी में रिचर्ड बर्ड ने एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में लिखा था जो लिटरली हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर रहती है। इन बातों के लीक होने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बातें किसी पागल इंसान ने नहीं लिखी थी, बल्कि ये बातें एक रेस्पेक्टेड अमेरिकन मिलिट्री पायलट ने लिखी थी जिसको कई बार स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया था। आपको बता दूं कि रिचर्ड बर्ड इकलौते ऐसे पायलट थे जिन्होंने पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर ही उड़ानें भरी थी। रिचर्ड बर्ड की डायरी लीक होने के बाद लोगों में कई सवाल उठने लगे कि एक पूरी सिविलाइजेशन आखिर जमीन के नीचे कैसे रह सकती है, क्या हमें रिचर्ड बर्ड की बातों पर विश्वास करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आखिर पृथ्वी के नीचे कौन रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। रिचर्ड बर्ड ने दावा किया था कि वो जमीन के अंदर कुछ रहस्यमय लोगों से मिला था। उसके इन दावों को झुठला दिया जाता अगर इतिहास में पहले कभी जमीन के अंदर रहने वाले लोगों के सबूत न मिलते तो। साल 1963 की बात है, टर्की के कैपेडोसिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेसमेंट को क्लीन करने की सोची। उस व्यक्ति ने एक हथौड़े की मदद से बेसमेंट की दीवार को तोड़ा। दीवार को तोड़कर उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने एक सुरंग का दरवाजा था। जब खोजकर्ता उस सुरंग के अंदर घुसे तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक रहस्यमय अंडरग्राउंड सिटी बसी हुई थी। हालांकि वहां कोई इंसान तो नहीं रह रहे थे, लेकिन वहां बहुत सारे कमरे मिले थे, और आश्चर्य की बात ये थी कि वो सभी कमरे एक ही फ्लोर पर नहीं बने थे, बल्कि जमीन के नीचे 18 फ्लोर बने हुए थे जो कि 280 फीट तक की गहराई तक पहुंच रहे थे। पुरातत्वविदों के अनुसार इस अंडरग्राउंड सिटी का सबसे पुराना कमरा आज से करीब 4000 साल पहले बनाया गया होगा। इस अंडरग्राउंड सिटी को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम था। इसके अंदर कुएं भी बने थे जिनमें से पीने के लिए फ्रेश वाटर को निकाला जाता था। उस सिटी में हर वो सुविधा थी जिससे उसमें रह रहे लोग सालों तक बिना उस सिटी से बाहर निकले अपना जीवन यापन कर सकें। आज भी वैज्ञानिक परेशान हैं कि उन्होंने बिना किसी तकनीकी मदद के जमीन के अंदर इस तरह से कैसे खुदाई की होगी। ऐसा माना जाता है कि इस सिटी में रहना ज्यादा आरामदायक रहता होगा, क्योंकि जहां पर ये सिटी बनी हुई है वहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी। ऐसा माना जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में लोग इसलिए रहते होंगे क्योंकि उस समय में ये आम बात थी कि राजा लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया करते थे। ऐसे में ये अंडरग्राउंड सिटी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती होगी। खोजकर्ताओं को इस अंडरग्राउंड सिटी की सुरंगों में बड़े बड़े गोल पत्थर भी मिले थे जिनसे सुरंग के दरवाजों को बंद किया जा सके और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस सिटी के अंदर ना घुस सके। इस अंडरग्राउंड सिटी में सुरंग इस प्रकार से बनी हुई है कि कोई पहली बार इसमें घुसे तो वो एक भूल भुलैया में पड़ जाए और उसी में फंसकर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ इस सिटी को महज 10% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इस सिटी का नाम डेरिन कुयू है। अगर आप कभी टर्की जाओ तो इस अंडरग्राउंड सिटी को जरूर विजिट करना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डेरिन कुयू अंडरग्राउंड सिटी तो कुछ भी नहीं है मिस्र के तहखानों के सामने। 1970 के दौर में खोजकर्ताओं ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किए। साल 1994 में इजिप्शियन अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया कि ग्रेट पिरामिड के पास ये स्टैचू जैसा आकार मौजूद है, इसके नीचे अंडरग्राउंड तहखाने मौजूद हैं। वैसे ये स्टैचू ही अपने आप में एक रहस्यमय चीज है। ये एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का और बॉडी शेर की आकृति में है और इसका नाम स्फिंक्स है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड के आसपास के एरिया में करीब 1500 अंडरग्राउंड रूम्स बने हुए हैं और इतने ही अंडरग्राउंड चैम्बर्स भी बने हुए हैं। ये माना जाता है कि इन चैम्बर्स को प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र के लिए बनाया गया होगा।
खैर जो भी हो, ये तो तय है कि प्राचीन समय में लोग अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहा करते थे, इसके सबूत देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर रिचर्ड बर्ड की बात करें तो उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसी सिविलाइजेशन का जिक्र किया है जिसके अस्तित्व में होने पर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। प्राचीन समय से ही लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक नई दुनिया मौजूद है, जहाँ पर पृथ्वी के सरफेस की तरह ही हैबिटेबल एनवायरनमेंट मौजूद है। साल 1692 में एडमंड हैली, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, जियोफिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और मीटियोरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पृथ्वी के बारे में एक अलग थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अंदर से खोखली है। उनका होलो अर्थ थ्योरी को देने का एक साइंटिफिक कारण था। दरअसल उस समय में बहुत सारे समुद्री जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे। इसका कारण था पृथ्वी का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिन्हें हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल भी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के पास दो और पोल मौजूद हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। दरअसल ये दोनों मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिकल पोल एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं, बल्कि कुछ एंगल पर टिल्ट हैं। इसी चीज को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। और जब आप कंपास की मदद से नॉर्थ पोल पर जाना चाहोगे तो पृथ्वी के इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वजह से आप पृथ्वी के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पर जाने की बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि कंपास आपको पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा, न कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की। इस परेशानी को देखते हुए उस समय के वैज्ञानिक एडमंड हैली ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च की कि आखिर क्यों मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिकल पोल एक ही लाइन में और एक ही पॉइंट पर नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और इसके अंदर तीन खोखली लेयर्स हैं जो पृथ्वी की स्पीड के साथ ही अंदर घूम रही हैं। और इन तीनों ही लेयर्स के पास अपने खुद के मैग्नेटिक पोल्स हैं, जिनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। इस वजह से पृथ्वी पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। उस समय लोग ये मानने लगे कि पृथ्वी के अंदर भी इंसान रहते हैं और वो उनकी एक नई दुनिया है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उनके समुद्र हैं, उनका खुद का सूरज है। और पृथ्वी के अंदर मौजूद इस दुनिया में जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता नॉर्थ पोल पर है और दूसरा रास्ता साउथ पोल पर है। उस दौर में लोगों में पृथ्वी के अंदर छुपी उस दुनिया को खोजने की होड़ सी लग गई और लोग पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर उस छुपी हुई दुनिया के दरवाजों को ढूंढने में लग गए। साल 1908 की बात है, एक अमेरिकन राइटर विल्स जॉर्ज इमर्सन ने द स्मोकी गॉड नाम से एक किताब पब्लिश की। उस किताब में उसने एक नॉर्वेजियन नाविक ओलेफ जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी। उसमें लिखा था कि एक दिन वो नाविक नॉर्थ पोल के पास यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते उसकी नाव एक सुरंग से होकर गुजरी। जब वो उस गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकला तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका था। वहां उसे कुछ इंसानों जैसे प्राणी दिखाई दिए जो कि 10 फीट तक लंबे थे। उस नाविक के अनुसार उस अंडरग्राउंड सिटी में एक अलग सूर्य था जो उस अंडरग्राउंड सिटी को रोशन कर रहा था। 23 नवंबर 1968 को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट SS-7 ने पृथ्वी के नॉर्थ पोल की उस समय तस्वीर ली जब वहां पर कोई भी क्लाउडी वेदर नहीं था। इस फोटो के सेंटर में एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि इस चीज के रिगार्डिंग आगे कोई भी खोज क्यों नहीं की गई? यहाँ तक कि नॉर्थ पोल पर कोई भी फ्लाइट, चाहे वो रिसर्च सैटेलाइट ही क्यों ना हो, सभी बैन है। नॉर्थ पोल पर सभी फ्लाइट्स के बैन होने का साइंटिफिक कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पर ग्रेविटी वीक है, इस वजह से वहाँ फ्लाइंग व्हीकल्स को उड़ने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या सरकार वहाँ के रहस्यों को छुपा रही है या फिर वहाँ की कमजोर ग्रेविटी ही वहाँ उड़ान न भरने का मुख्य कारण है। चलिए अब एडमिरल रिचर्ड बर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी हुई उन बातों को जानते हैं। डायरी में 19 फरवरी 1947 की एक एंट्री है जिसमें लिखा था कि वो सुबह जल्दी जगा और नॉर्थ पोल पर होने वाली अगली रिसर्च फ्लाइट की तैयारी करने लगा। रिचर्ड बर्ट ने जब प्लेन को टेक ऑफ किया तो उसने नोटिस किया कि प्लेन के इंजन से कुछ ऑयल लीक हो रहा है। थोड़ी देर बाद जहाज में टर्बुलेंस होने लगा और रिचर्ड बर्ड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। जहाज नीचे गिरने की बजाय एक गुफा से होकर गुजरा। जैसे ही वो गुफा खत्म हुई तो रिचर्ड बर्ड और उसके क्रू ने एक अलग तरह की पर्वत श्रृंखलाएं देखी जो कि उन्होंने पहले नॉर्थ पोल पर उड़ान भरते हुए कभी नहीं देखी थी। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उस पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे हरे भरे जंगल मौजूद थे। वहाँ की सभी चीजें एक अलग तरह के प्रकाश से जगमगा रही थीं। जहाज के रेडियो और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। रिचर्ड बर्ड ने आगे लिखा कि वहाँ कुछ अलग तरह के जानवर थे। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी ओर आता हुआ एक अजीब सा एयरक्राफ्ट दिखा जिसमें से कुछ इंसानों जैसे प्राणी बाहर निकले। उनकी फेयर स्किन थी, बाल सफेद थे, वो लंबे थे और उन्होंने सफेद रंग के ही कपड़े पहने थे। उन्होंने अपनी भाषा में समझाते हुए कहा कि वो पृथ्वी के अंदर हैं और ये उनका शहर अगरथा है।
उस अगरथा सिटी के घर क्रिस्टल्स के बने थे, जिससे पूरा का पूरा शहर चमक रहा था। अपनी डायरी में रिचर्ड बर्ड ने लिखा कि वो शब्दों में उस शहर के नजारे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो एक बात से श्योर थे कि वो एक ऐसी सिविलाइजेशन से मिले हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही उन्नत है। अगरथा वासियों ने बताया कि वो इंसानों के साथ संपर्क बनाने से बचते हैं और वो इंसानों के युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे बताया कि इंसानों ने एटॉमिक पावर को इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो कि इंसानों के लिए नहीं बनी है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स छोड़े गए थे, तब इंसानों के बुरे इरादों को जानने के लिए अगरथियन अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर पृथ्वी के ऊपर गए थे। उन्होंने बताया कि 1945 के बाद उन्होंने इंसानों से संपर्क बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इंसानों ने हमारे साथ शत्रुता वाला व्यवहार किया। अगरथा वासियों ने रिचर्ड बर्ड और उनके क्रू को पृथ्वी के सरफेस तक ऊपर पहुंचाया। उसके बाद रिचर्ड बर्ड ने जैसा देखा था उसे अपनी डायरी में लिख दिया। पायलट ने ये खबर ऑफिशियल्स को बताई और ऑफिशियल्स ने रिचर्ड बर्ड को चुप रहने के लिए कहा और किसी से भी इन बातों को शेयर ना करने के लिए कहा। और फिर रिचर्ड बर्ड ने इन बातों को दबा दिया और फिर किसी से भी उसने इन बातों को साझा नहीं किया। अगर रिचर्ड बर्ड की मृत्यु के बाद उनकी वो सीक्रेट डायरी लीक ना होती तो ये बातें आज भी किसी को पता नहीं चलती। खैर, जो भी हो, किसी डायरी में लिखी बातों से या किसी किताब में पब्लिश बायोग्राफी से ये साबित नहीं हो जाता कि सच में पृथ्वी के अंदर एक अलग दुनिया बसती है। होलो अर्थ और अगरथा सिटी महज कॉन्स्पिरेसी हैं। आपको बता दूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन थ्योरीज को कहा जाता है जिनमें अपने आप को सच साबित करने के लिए तर्क तो होता है, लेकिन सत्यता का कोई प्रमाण यानी कोई ठोस सबूत नहीं होता। रिचर्ड बर्ड की डायरी में लिखी बातें और अगरथा सिटी कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करते हैं या जो लोग यूएफओज की खोज करते हैं, उनका मानना है कि सच में पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया है। अगर सच में अगरथा का अस्तित्व है तो क्या पृथ्वी पर दिखाई देने वाले यूएफओ और एरिया 51 का अगरथा के साथ कोई संबंध है?